चार्टे परफॉर्मेंस क्या है उसका मतलब? यार चार्टे परफॉर्मेंसेस 10 साल से ऊपर ही हो गए हिप हॉप के लिए हमको करते हुए, तो बीज तो हमने बहुत पहले डाल दिया था, पेड़ अब बन रहा है। पेड़ अब बन रहा है। हाँ। मैं मुंबई गई थी, मुझे गोलगप्पे मीठे मिले थे। हाँ, वहाँ पे गरम पानी डाल देते हैं, उसके अंदर क्या करता है पता ही नहीं क्या करते हैं। मैं अगर मुंबई जाता हूँ वहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, छोले मीठे मिलते हैं। और मैंने सोनम बाजवा इज यस स्टैन मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है और मेरा छोटा भाई है। रफ्तार, बादशाह, हनी सिंह, लेजेंड ब्रदर। 2024 में अगर हो सके तो मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहूंगा। इनके ना बहुत सारे गाने आ चुके हैं, लेकिन आज भी ना मुझे ये एक ही गाने से याद आते हैं और वो है अद्धा शीशा खुले मेरी गड्डी दा, चोरी चोरी तनु तकदा। बट अब वो बन चुके हैं भोलेनाथ के लाडले। हाय, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज हमारे साथ हैं इक्का। हाय इक्का, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन एकदम। कैसा रहा आपका ये साल? बढ़िया था, अमेजिंग था और आने वाले भी ऐसे ही रहे, बस काम होता रहे, बस काम चलता रहे, बस ये इट्स गुड। फुल ऑन बिजी रहा ये साल, मतलब आप बिजी रहा तो yes. आपको पसंद है बिजी साल? यार देखो, बिजी होना सबसे बढ़िया बात है। खाली दिमाग शैतान का घर आ, खाली दिमाग होता है तो आप फालतू की चीजें सोचते हैं, तो उसे बिजी रखो और काम के बारे में सोचो। ओके, तो आपका नया गाना आ रहा है जी, क्या कहना है उस गाने के बारे में? कुछ नहीं, दिल हर से बार कुछ नया लेकर आते हैं। हाँ। ना इस बार क्या नया ला रहे हैं? इस बार मेलोडीज हैं, 2 एल्बम मैंने करी, आए फिर उसके बाद निशु, तो दोनों प्रॉपर हिप हॉप एल्बम थी। हाँ। पर ये तीसरी एल्बम है मेरी, ओनली लव गेट्स रिप्लाई इस एल्बम का नाम है। तो इसमें मैं प्रॉपर मेन स्ट्रीम कमर्शियल 2 हिप हॉप साउंड्स के साथ मैं ये एल्बम लेके आ रहा हूँ। 10 गाने हैं इसके अंदर, जिसमें से 2 गाने हमने रिलीज कर दिए हैं, उर्वशी एंड लाडला इंक्लूडिंग। तो यस, उर्वशी और लाडला तो हमने सुन लिया जी। एंड उर्वशी MC स्टैन के साथ आपने पहली बार कोलैबोरेशन किया, कैसा रहा वर्क? दिस इज माय सेकंड टाइम एक्चुअली। मैं उसके एल्बम आई थी इंसान, MC स्टैन की, तो मेरा फीचर था, मैंने फीचर करा स्टैन को, उसमें माँ बाप गाने का नाम था। अच्छा। और स्टैन मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है और मेरा छोटा भाई है और बहुत प्यार है मेरे को उस लड़के से। उसकी उसने बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी चीज़ें हासिल करी है लाइफ में और मैंने उसका वो स्ट्रगल देखा है और मैं जानता हूँ उसका पोटेंशियल कितना है और आज भी जानता हूँ कि वो क्या अचीव कर सकता है। तो बहुत सारा प्यार स्टैन को एंड थैंक यू स्टैन। और उर्वशी वे वर्ड्स के लिए बहुत ही सेक्सी था, लव यू यू नो इट। तो हम मतलब इन फ्यूचर और कोलैबोरेशंस देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ही इज माय ब्रदर, हम तो करेंगे म्यूजिक यार टिल द एंड। ये अगले साल वेट रहेगा। यस, मे बी सून, उससे पहले कुछ आ जाए। अच्छा, उससे पहले एक सरप्राइज हो सकता है। ओके, और आपका दूसरा गाना लाडला जी, 5 दिन हुए उसे एंड 5 मिलियन से भी ऊपर व्यूज आ गए। आपको प्यार इतना मिलता है तो ये गाना इतना हिट होना ही था, बट पहले से कोई एप्रीहेंशंस थे कि इतना होना ही चाहिए? कभी होता है दिमाग में आज भी जब कोई गाना रिलीज करते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। मेरा ये है कि मैं अच्छा गाना बनाऊँ, अच्छा होगा, लोगों को अच्छा लगेगा, सुन लेंगे, नहीं अच्छा होगा तो और मेहनत करके और अच्छा गाना बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो फिर मैं वैसा डिलीवर करूंगा। तो यही मोटिव होता है और यही विजन होता है मेरा कि अच्छा गाना डिलीवर करना है बस। कुछ गाने होते हैं ना याद रह जाते हैं, जैसे मुझे आपका वो गाना जिससे मैंने इंट्रो दिया, मुझे वो बहुत उस टाइम पे वो गाना 2017 में आया था। एग्जैक्टली, एंड उस टाइम पे बिल्कुल जब स्टार्टिंग थी रैपिंग कल्चर की और इन सब चीजों की, तो उस टाइम से अब तक काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। उस पर आपकी क्या राय है? मतलब अभी उस टाइम पे ना रैपर्स को इतना शायद रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, अब हर गाने में रैप होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, जरूरी है, हिट बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं। इस पर मतलब कैसा क्या यार? एक्चुअली मैं ना हिप हॉप के लिए हमने काम, तो मेरा पहला गाना आया था मुझे याद है 2010 में, दैट्स अ प्रॉपर हिप हॉप सॉन्ग जो कि पहली बार टीवी पे आया था और 900 बाई उस गाने का नाम था विद ADX एंड JB, जो मेरे क्रू मेंबर थे। JB इस दुनिया में नहीं रहा, रेस्ट इन पीस दो। सो हिप हॉप तो हम यार, मैं 2003 में मैंने सुना था, 2003 से हमने वो सीखना चालू करा। 2006 मैंने बोहिमिया भाई को सुना, फिर वहाँ से स्विच करके हमने अपनी लैंग्वेज में रैप करना चालू करा, पंजाबी हिंदी। फिर 2009 तक हम अपने आप को बढ़िया बना पाए। 2009 में हमको हनी सिंह मिले और हनी भाई ने हमको स्टूडियो बुलाया। जब हम भाई के पास गए तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें उन्होंने सॉर्टेड करी, मेलोडीज़ क्या है, मेन स्ट्रीम म्यूज़िक क्या है, साउंड्स कैसे होते हैं, क्या नहीं होते। तो काम तो हम तब से कर रहे हैं यार। 2017 में वैसे फिर चीज़ें होना चालू हुई कि मैं अपने गाने रिलीज़ कर पा रहा था, वैसे बड़े with big videos and stuff. तो काम तो पर लड़के हमने 10 साल से ऊपर ही हो गए हिप हॉप के लिए हमको करते हुए, तो बीज तो हमने बहुत पहले डाल दिया था, पेड़ अब बन रहा है, पेड़ अब बन रहा है। हाँ। And अच्छे उसके फल मिल रहे हैं, अब फल भी आ रहे हैं। हाँ, उससे अच्छे खासे तो यस। अच्छा, अभी रिसेंटली ना हसल 03 खत्म हुआ, मुझे एक सवाल था, एक्चुअली मेरा नहीं, ये कैमरा के पीछे जो खड़े okay. उनका सवाल था, व्हाट इज दैट चांटे परफॉर्मेंस, क्या है उसका मतलब? यार चांटे परफॉर्मेंसेस यू नो, जो ऐसा लगे कि हाँ भाई आपको ना धक्का लगा, आपको कुछ हिट हुआ है, कुछ तो हुआ, कुछ महसूस हुआ है, क्योंकि जब तक आपको म्यूजिक महसूस नहीं होता वो म्यूजिक म्यूजिक नहीं है। True. मुझे ऐसा फील होता है, और जब भी मुझे लगता है कोई मेरे को चीज आके हिट हुई है एज अ म्यूजिकल कोई भी चीज हो, तो मैं कहता हूँ ये चांटे चीज है भाई, ये चांटे परफॉर्मेंस। तो यार दिल्ली वालों की ना एक वाइब अलग आती है, तो वो पता चलता है। दिल्ली के ही हैं आप भी जी, और मुंबई अब आप जब चले जाते हैं, दिल्ली को मिस करते हैं? ऑलवेज, दिल्ली मेरे दिल में बसती है, मेरी रगों में बसती है, मैं यहाँ पैदा पला बड़ा हूँ और यही मैंने सब कुछ सीखा है, राप हो चाहे कुछ भी हो, चाहे खेलना कूदना, तो दिल्ली से तो ऑलवेज प्यार है। मेरे सब यार मित्र यहीं रहते हैं, मेरा परिवार यहाँ रहता है, तो दिल्ली से बढ़िया तो जगह मेरे लिए कोई है नहीं। मैं कहीं चला जाऊँ, मैं दुनिया आधी दुनिया घूम चुका हूँ, मेरे को ऊपर कहीं यू नो स्वाद नहीं आता, मैं अपने घर आके अच्छा फील करता हूँ, दिल्ली में आके अच्छा फील करता हूँ, मेरे को खाना अच्छा लगता है यहाँ का, बेसिकली दिल्ली का। हाँ, मैं कहीं भी जाता हूँ मेरे को खाना नहीं मिलता वैसा, है ना? बहुत चटकारे, दिल्ली वालों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाँ, मैं अगर मुंबई जाता हूँ वहाँ पे छोले भटूरे मिलते हैं, छोले मीठे मिलते हैं, और मैंने यार सॉरी, मैं मुंबई गई थी, मुझे गोलगप्पे मीठे मिले थे। हाँ, वहाँ पे गरम पानी डाल देते हैं उसके अंदर, क्या करते हैं पता ही नहीं क्या करते हैं। पर मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं, आई लव मुंबई का खाना, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे वड़ा पाव और ये और वो बहुत, पाव भाजी वगैरह जो उनका स्ट्रीट फूड है वो भी बेस्ट है, मेरे को वो ही बहुत अच्छा है, वो यहाँ पर अच्छा नहीं मिलता। नहीं ऐसी बात नहीं, मिल जाता दिल्ली में, बड़ा पाव तो नहीं मिलता। हाँ, बड़ा पाव मैंने खाया, हाँ बढ़िया था, दिल्ली में ऐसी बात नहीं है। हमें भी बता दीजिए, हम भी चले जाएंगे। हाँ, पर वैसा प्रॉपर वड़ा पाव नहीं मिलता। हाँ, वही तो, एग्जैक्टली वही, वो जो एसेंस है ना कुछ जगहों की, वो मिस रहती है। छोले कुलचे दिल्ली में बढ़िया मिलेंगे, कहीं नहीं मिल सकते आपको बढ़िया। बिल्कुल, तो ये यहाँ के छोले भटूरे तो वैसे काफी फेमस है। हाँ, तो मैं बहुत स्ट्रीट फूड्स का बहुत दीवाना हूँ, तो इसीलिए मेरे को दिल्ली बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब MC Stan के साथ जब आपका गाना था, उसमें काफी सारे मॉडल्स थे, वो पहला गाना तो था नहीं, हर गाने में होता है ना जी। तो कभी ऐसा रहा है कि कोई अब मॉडल ऐसा रहा हो, फीमेल मॉडल जिनके साथ आपको काम करना हो, जैसे कि बहुत सोनम बाजवा, रिसेंटली एनिमल रिलीज हुई है, नेशनल क्रश, तृप्ति डिमरी, तारा गुरपाल, कितने सारे, तो एनी नेम? मेरा शुरू से ऐसा कभी नहीं रहा। अच्छा, मेरे को तो ये है कि जो डायरेक्टर होते हैं वीडियो के, वो खुद ही अपने आप देखते हैं कि इस मॉडल को इस वीडियो में होना चाहिए, और मैं अपने डायरेक्टर के कहने पे चलता हूँ, ठीक है। अच्छा, आपकी कभी उससे प्रेफरेंस नहीं रहती? नहीं, मुझे वो भेज देते हैं, अगर मेरे को लगता है कि हाँ वाइब के लिए ठीक है, तो मैं कभी नान ऊपर नहीं करता और बोलता हूँ ठीक है। हाँ, मेरा वैसा कुछ अपने दिल से नहीं है यार, कि अगर मैं सोचता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ। तो ये जो नया गाना आ रहा है सोनम बाजवा, यस, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं फीचर करूं, और मेरे को बहुत प्रिटी लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं वो, और मैं चाहूंगा कि वो मेरे गाने में किसी में फीचर करें। चलिए, हम जल्दी से देखेंगे कि आपके गाने में आए सोनम बाजवा। मे बी, देखो, यू नेवर नो। अच्छा, आपको लेकर एक छोटा सा सेगमेंट, जिसमें आपको कुछ रैपर्स के नाम पर अपने रिएक्शन देना है कि आप उस बंदे को सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, ठीक है? First is MC Stan. Creative, different, hustler. Yes. Bobby Randhawa. Amazing vocals और शेर है लड़का। शेर तो है। हाँ। Krishna. Lyrical, insane और amazing artist. Udepan. OG. उदय छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उदय is that. Raftaar. रफ्तार इज ब्रदर और लेजेंड, और सलू बादशाह भाई, लेजेंड, ब्रदर, सलू। हनी सिंह, लेजेंड, ब्रदर। ये देखो जितने भी मेरे भाई हैं, बोल नहीं सकता, पर दे आर लेजेंड्स, दे आर फैमिली, और मेरे लिए हमेशा वो यू नो इस मुकाम पे रहेंगे। डीनो जेम्स, ब्रदर, लेजेंड। ये मेरे सारे भाई मेरे लिए लेजेंड्स हैं, और बस मैं उनको प्यार ही दे सकता हूँ, और तो कुछ बोल नहीं सकता। ओके, लास्ट टू नेम्स बादल। बादल इज ब्रदर, एंड केदन शर्मा। केदन इज अमेजिंग, वो आने वाला एक स्टार है, और उसके अंदर बहुत ही दिखता है मुझे कुछ कि वो कुछ तोड़ फोड़ देगा भाई आने वाले टाइम में, देखना। आपके स्क्वाड में थे वो? यस, एंड दिस सीजन हसल में वो टॉप 6 में भी आए जी। कैसा, मतलब क्या फीलिंग थी? फर्स्ट टाइम आप भी स्कॉट बॉस बने थे। अच्छी फीलिंग थी यार, सॉरी अच्छी फीलिंग थी। एक्चुअली मैं गया था हसल में सिर्फ ये एक्सपीरियंस लेने कि वहाँ बच्चे हैं उनके। मैं जब सीजन 2 में गया था इतना टैलेंट आया ना, और मैं वो टैलेंट देख के मैंने कहा कि यार हिंदुस्तान में कितना बेहतरीन टैलेंट है यार, क्या बच्चे क्या परोस के दे रहे हैं यार। मैंने कहा फिर 3 में हमारी बात चल रही थी और मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, और थैंक यू MTV एंड मूल और पूरी टीम का मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। और वहाँ पे जो टैलेंट आया था, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ ना, मैं सोचता हूँ मैं जज तो किसी को नहीं कर सकता पर सीख सकता हूँ लोगों से, बिल्कुल। तो मैं वहाँ सीखने गया था कि मैंने इतने नए, क्योंकि अब वैसा गलियों में घूमना होता नहीं है, हाँ। वैसे दोस्तों यारों में बैठना होता नहीं है, तो वो चीजें मिल नहीं पाती अब। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए कि नए बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं उस सर्कल में अपने आप को रखना चाहता हूँ जहाँ मेरा भी टैलेंट एनहेंस या इवोल्व होता चला जाए। तो यस, ये रीजन था। आप मतलब मानते हैं चीज की कोई छोटा हो या बड़ा हो सिखाता सब है। yes, yes. उम्र में आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, अच्छी चीजें होती हैं यार। छोटा भी क्या क्या करतब दिखाता है। मैं तो ऐसा हो जाता हूँ, उदय को देख लो आप, मैंने कहा यार 18 साल का ये क्या कर रहा है, जब हम 18 साल के थे हम क्या कर रहे थे। हसल ने तो सच में ऐसे टैलेंट्स को पता नहीं कहाँ से उठाया। पैराडॉक्स बिगेस्ट एग्जांपल, सृष्टि अमेजिंग आर्टिस्ट, सैल्यूट सबको, सबको बहुत सारा प्यार। टेडन का जब गाना आया था आपका रिएक्शन उस पर बहुत वायरल था, जो उन्होंने साउथ पर बनाया था, जब आपने कहा था कि ये तो साउथ की टूरिज्म सॉन्ग होना चाहिए ना। तो ये कहीं ना कहीं टैलेंट्स जो हैं अब के, आपको लगता है कि आपके जनरेशन वाले लोगों को भी बीट कर देंगे? मतलब ये भी नहीं कह सकते बीट कर देंगे यार, ऐसी बात नहीं है। हम जो हमारे अपने बंदे हैं वो भी बहुत ऐसे खुराफाती बंदे हैं। मैं बादशाह भाई, रफ्तार, सबको देखता हूँ, इमेंस टैलेंट है उनके अंदर यार। कृष्णा इनफैक्ट वो इतने टाइम से, तब से मेरे को याद है एक हिप हॉप एल्बम आई थी, पहली हिप हॉप एल्बम थी वो इंडिया की, उसका नाम था देसी हसल, जिसमें मेरा भी गाना था और कृष्णा का भी गाना था। लोगों को पता ही नहीं है बात, पहली हिप हॉप इंडियन एल्बम थी वो 2010 में आई थी या 9 में आई थी उस वक्त हाँ। तो वो तब से कर रहा है और आज भी देखो लिरिकली तोड़ रहा है वो। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज के बच्चे बढ़िया हैं या फिर जो पहले की जनरेशन थी वो कम अच्छा म्यूजिक बना रही है। सब बढ़िया है यार, अपने जगह वो भी बढ़िया है, अपने जगह हम भी बढ़िया, सब अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। ये तो सही कहा। हाँ। और ऑडियंस को एंजॉयमेंट के लिए हर बार नया कुछ मिल रहा है, और क्या कंपटीशन लगता है कि यार नहीं अच्छा बच्चे ऐसा कर रहे हैं, हमको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो एक कंपटीशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है यार। अच्छा, इस साल आपने काफी बैक टू बैक हिट्स दिए, स्पेशली वो बहुत अच्छा गाना लगा था मुझे। फिर भी सारे अपने गानों में से कोई फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट है निंद्रा, एक मैंने गाना था वायरल के साथ आया था, वो बहुत ही बेहतरीन गाना लगता है मुझे, बहुत दिल के करीब है मेरे गाना, तो मैं निंद्रा बोलना चाहूँगा। और हाफ विंडो डाउन है वो है, और अभी उर्वशी और ये पूरी एल्बम ही जो हम T-Series से कर रहे हैं, और ये पूरी एल्बम मेरे बहुत दिल के करीब है। अच्छा। और हर गाना यार मेरे लिए तो मेरे बच्चे हैं यार, मैंने उनको पैदा करा है, मैंने बनाया, तो सब अपने बाप का तो अपना हर बच्चा प्यारा होता है, प्यारा होता है। बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने, तो सब गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ओके तो न्यू ईयर आने वाला है जी, इस साल आपने ऐसी कोई चीज मतलब कि कुछ था पहले से और आपने इस साल कंप्लीट कर लिया एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन, एंड इस साल का कुछ ऐसा जो आपने अचीव किया हो? घर लेना है मेरे को भाई 2024 में। अच्छा। वो सोच रखा है, एक बड़ा घर लेना है मेरे को, जो मैंने देख रखा है और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ फिलहाल। दिल्ली? हाँ दिल्ली में लूंगा, और तो कहीं जा नहीं सकता है यहाँ से, वेस्ट दिल्ली साइड, और तो उसके लिए काम कर रहा हूँ। और मेरे को ये है कि 2024 में अगर हो सके तो मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहूँगा। सो ये 2 चीज़ें हैं मेजर, बाकी एल्बम आ रही है मेरी 2024 में, और बाकी 2024 ही बताएगा। देखो ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, प्लानिंग तो सारी है लेकिन हाँ, मतलब प्लान्स हैं दिमाग में, पर वो किस तरीके से पूरे होते हैं और मैं कितनी मेहनत करता हूँ उनके लिए, वो मेरे पे डिपेंड करता है। ये बात भी सही है। और इस साल जो आपने बिगेस्ट अपने हिसाब से अचीव किया हो? मेरी एल्बम आ रही है और T-Series से आ रही है। मेरा सपना था, मेरी बुआ कैसेट डिपार्टमेंट में काम करती थी, मैं छोटा था जब। अच्छा। और T-Series में, और थैंक यू बोलना चाहूँगा भूषण सर का और T-Series का, जिन्होंने मेरे विजन पे बिलीव करा और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गाने इस तरीके के इतने बड़े लेवल पे कर पाऊँ और इतने बड़े वीडियोज़ मार्केट को या फिर सीन को दे पाऊँ। तो ये Thank you so much Ikka, it was lovely talking to you and all the very best for your future albums. चाहिए ब्लेसिंग्स तो चाहिए सबको, देखो ब्लेसिंग नहीं भर भर कर प्यार मिलेगा, बहुत सारा। इतने बेहतरीन गाने होते हैं, कौन रुक जाएगा बताओ। शुक्रिया दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।